हम लोग क्लास फाइव का इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? क्लास फाइव का इंग्लिश, ठीक है, जिसका नाम है ब्लोसिमा। ब्लोसिमा का मतलब होता है खिलना। क्या होता है? क्लास फाइव। इसमें देखिए, आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस आज जो इंग्लिश चैप्टर, इंग्लिश का जो किताब है हम लोग का, उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है Nobody's friend। क्या नाम है? Nobody's friend का मतलब होता है किसी का मित्र नहीं। Nobody's friend का मतलब क्या होता है? किसी का मित्र नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें अब हमें क्या करना है, बारी बारी से हर एक चीज को रीडिंग भी करते चलेंगे और सीखते भी चलेंगे कि हमें इसका मतलब क्या होता है। जो बच्चा ध्यान से इस बात को सुन लेगा, मैं 100% कह रहा हूँ, वह जीवन भर इस चीज को कभी भी नहीं भूल सकता है। पहले में क्या लिखा है कि इज देयर एनी वन अमंग यू हु डज नॉट हैव फ्रेंड, इफ यस व्हाई। बोला गया है कि क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास फ्रेंड है और क्यों नहीं है? क्या बता सकते हैं कि आप में से कोई है जिसके पास फ्रेंड है और किनके पास नहीं है और क्यों नहीं है? ये कारण आपको भी बताना है। तो हमने बताया था ना कि आपके पास, हमें क्या करना चाहिए, जब हम लोग स्कूली लाइफ में होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए, ठीक है ना, मित्रता करना चाहिए, समझ रहे हो। अब ये क्यों नहीं है, हम इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं कि क्यों है और क्यों नहीं है। पहले आप हर एक चीज़ को पहले समझते जाओ। कह रहा है, व्हाट डिफरेंट थिंग डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन सी अलग अलग बातें शेयर करते हैं? पहले में दूसरे में जो गया है ना, ये बार बार में आ गया है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अर्थात अपनी जो बातें आप जानते हो अपने दोस्तों को भी क्या करते हो, बताते हो, उसको क्या करते हैं, शेयर करना कहते हैं, ठीक है ना। शेयर में आप बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम किसी वस्तु को भी शेयर कर सकते हैं और हम अपनी बातों को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर मतलब क्या होता है, मतलब बांटना, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है, नेम सम ऑफ थिंग दैट योर फ्रेंड लाइक डिसलाइक। कहा गया, फिर से सुनोगे कि नेम सम ऑफ थिंग दैट योर फ्रेंड्स लाइक डिसलाइक। कहा कि कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जो आपके दोस्त को पसंद है और नापसंद है। फिर से सुनो, कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताना है जो आपके दोस्त को पसंद हो और नापसंद हो। क्या ऐसी चीज़ों को आप नाम जानते हैं जो आपके दोस्त को पसंद है और नापसंद है? क्या बता सकते हो? तो बिल्कुल आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस, हम बता सकते हैं कि हमारे दोस्त को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी हम सारी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। कहा गया, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड एंजॉय द थिंग दैट यू शेयर विद देम। जब आपके दोस्त उनके साथ चीज़ों का आनंद लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब आप अपने दोस्त के साथ किसी चीज़ को आनंद लेते हुए देखते हो तो आपको वह कैसा लगता है? कैसे, मान लीजिए कि कोई सामान है और वह सामान, अब मान लीजिए कि किताबें हैं और वो किताब मैंने आपका दोस्त ले लिया और वो दोस्त लेकर इस किताब से पढ़ रहा है और वह आनंदित हो रहा है, मन ही मन में हंस रहा, मुस्कुरा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए, भाई ये मेरा किताब लेकर वो पढ़ रहा है और वो खुद इतना खुश है और क्या मतलब, और आपको तब तब फर्स्ट आपको मन में चिड़चिड़ा सा होने लगता है कि भाई मेरे ही सामान से वो आनंदित हो रहा है, ठीक है। तो आप फर्स्ट में क्या करते हैं, उस किताब को खुद छीन लेते हो, नहीं दो भैया मेरा किताब, मैं तुमको कॉल दूंगा किताब, ठीक है, तुम कॉल आना तो ले जाना। तो ऐसे ऐसे बातें हम लोग को क्या करते हैं, अब हम लोग को सीखना है इसमें। आपको पहले कहानी के खुद, इस कहानी के कुछ पात्र हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहा गया है इसमें, शी हैड सम स्वीट दैट शी वुड नॉट शेयर। पर यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सुनिएगा, फिर से बार रिपीट करता हूँ कि शी हैड सम स्वीट दैट शी वुड नॉट शेयर। उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिन्हें वह बांटना नहीं चाहती थी। ये आप चित्र में देख रहे हो कि एक लड़की है और उसके पास कुछ मिठाई है। लड़की के पास क्या है, कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें वह बांटना नहीं चाहती है। फिर से सुनोगे, उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें वह बांटना नहीं चाहती है। समझ रहे हो आप? सेकेंड, अगर आगे बोला गया है कि शी हैड ए बुक दैट शी वुड नॉट लेंड, पर उसके पास एक किताब थी जिसे वह उधार नहीं देना चाहती थी। उसके पास एक किताब थी जिसे वह उधार नहीं देना चाहती थी। समझ में आ रहा है आपको? आगे कहा कि शी वुड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉग। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि शी वुड नॉट लेट एनी प्ले विथ हर डॉग। वह किसी को भी अपनी गुड़िया से खेलने नहीं देती थी। वह किसी को भी अपनी गुड़िया से नहीं खेलने देती थी। समझ में आ रहा है आपको?
आगे देखिए, कहा किसी नो बडी फ्रेंड, वह किसी की दोस्त नहीं है, वह किसी की दोस्त नहीं है, वह किसी की दोस्त नहीं है। एक बार फिर से मैं इन चीजों के बारे में, अब हमने इतना तो पढ़ ही लिया है, अब हमें क्या करना है, पीछे वाले पेज में देखते हैं कि क्या क्या बताया गया। पर ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट, और उसके पास कुछ टॉफी थी और उसने हर टुकड़ा खाया, उसको उसके पास मतलब किसके पास, उस लड़की के पास नहीं, इस लड़के ये लड़का है ना, इस लड़के के पास कुछ टॉफी था जो उस टॉफी के हर एक टुकड़े को उसने क्या किया, खाया। समझ लो जैसे हम टॉफी लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले तोड़ तोड़ के, मान लीजिए कोई मित्र है, दो मित्र है, हम दो एक और एक ही टॉफी है, तो हम क्या करेंगे, उस टॉफी में से तोड़कर आधे उस मित्र को देंगे और आधे खुद के लिए रखेंगे। ठीक उसी प्रकार आप इसमें समझ लो कि उसके पास कुछ टॉफी थी जिसने उस टॉफी के हर एक टुकड़े को क्या किया, तोड़ तोड़ कर खाया। समझ रहे हो, तोड़ तोड़ कर खाया वो टॉफी को तोड़कर। फिर अगला में बोला गया है ही हैड ए ट्राइसाइकिल ही वुड नॉट ए लेंड, और है उसके पास तिपहिया साइकिल थी जिससे वह उधार नहीं देना चाहती थी, देता था, उसके पास एक तिपहिया साइकिल था जिससे वह उधार नहीं देना चाहता था। तिपहिया साइकिल का नाम सुने हो, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखिएगा दो साइकिल का पीछे रहता है, ये वो आगे रहता है जो गिरने नहीं देता है, देखते हो छोटे छोटे बच्चे को तिपहिया साइकिल, तिपहिया नहीं तुमको नहीं समझ में आएगा, डुगरावना देखो छोटा छोटा बच्चा डुगरावना डुगराना बनता है, पीछे से चलता चलता आगे पड़े आगे पड़े और चलता रहता है वो, उसको उसको भी तिपहिया साइकिल कह सकते हैं। तिपहिया साइकिल क्या, हाँ जो जो आप देखिएगा जो विकलांग होते हैं उनको तिपहिया साइकिल मिला होगा, ठीक है ना, तिपहिया साइकिल पीछे बैटरी लगा के नया सिस्टम है तो पीछे बैटरी लगा पावर विलो मारने की जरूरत नहीं है, वहाँ का बटन दबा के चलना शुरू कर देगा। तो तिपहिया साइकिल आप देखो तीन पहिया होंगे उसमें, हम लोग के पास जो साइकिल होता है उसमें कितने पहिया होते हैं, मात्र दो ही पहिया होते हैं, समझ रहे हो। अब आपसे पूछा जाए He had a tricycle, he would not lend. तो क्या बनेगा? उसके पास एक तिपहिया साइकिल था जिसे वह उधार नहीं देना चाहता था, समझ रहे हो। पर he never let any play with his train. फिर से सुनो, आ गया he never let any play with his train. उसने कभी किसी को अपनी ट्रेन के साथ खेलने नहीं दिया, समझ रहे हो, उसके पास ट्रेन भी था लेकिन वह कभी भी वह ट्रेन से उसने खेलने ही नहीं दिया, किसी को भी ट्रेन से खेलने नहीं देता था वह लड़का, समझ रहे हो। पर he nobody फ्रेंड, वह किसी का दोस्त नहीं है, वह किसी का दोस्त नहीं है, जब आप किसी को कोई सामान दोगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कोई आपसे मित्रता करना चाहेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब ये बुक मान एग्जाम छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर मैं ये मेरे पास ये बुक है तो इस बुक को जब मैं दूसरे मित्र को दूंगा, दूसरे दोस्त को दूंगा, तो ही वो मेरे से क्या करेगा, मित्रता करेगा ना। आज जब मैं ये कहूँ कि नहीं मेरा किताब है मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ, तो मेरे से मित्रता नहीं कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो भी सामग्री है हमें अपने दोस्तों में क्या करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, समझ रहे हो। आइए आगे आगे अगला लाइन जो है कहा कि बट आई शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट विथ यू, लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ आपके साथ साझा करूँगा। एक लड़का है जो कहता है कि बट मैं अपनी सारी जितनी भी मिठाइयाँ हैं मैं आप सबके साथ क्या करूँगा, साझा करूँगा, बांटूंगा, सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें बांटना है। पर माई बॉल एंड माई बुक्स गेम आई विल लेंड, मेरी गेंद और मेरी किताबें खेल में उधार दूंगा, ठीक है ना। मेरी जो किताब है मेरी जो गेंद है उन सबको मैं क्या करूँगा, खेल में उधार दूंगा आपको, ठीक है। हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, यह मेरा आधा सेब और आधा मेरा केक है, ठीक है ना। वह लड़का बोलता है कि यह मेरा आधा सेब और आधा क्या है, केक है, और आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, अब क्या क्या हम लोग समझ लेते हैं उन चीज़ों को एकदम अच्छे से, और शुरू से अंत तक हम लोगों ने जितनी भी कहानियाँ पढ़ा उन सब चीज़ों को आपको एक मतलब एक नज़र में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम दोस्ती करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए, साझा करना चाहिए। लेकिन वह लड़का करता था जी, लड़के के पास तिपहिया साइकिल था लेकिन वह किसी को देना नहीं चाहता था, लड़के के पास ट्रेन था लेकिन वह ट्रेन को भी नहीं देना चाहता था, लड़के के पास ढेर टॉफी थी लेकिन वह टॉफी के हर एक टुकड़े को खा जाता था लेकिन वह किसी को नहीं देता था। और इसके साथ ही लेकिन उसी में एक और लड़का था, वह कहता कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं मेरे पास जो भी सामग्री है मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको दूंगा, मैं आप सबके साथ उस चीज़ों को साझा करूंगा, ठीक है ना। वह लड़का कहता है कि मेरे पास ट्रॉफी है लेकिन मैं ट्रॉफी का हर एक टुकड़ा आपके साथ क्या करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा। फिर वो लड़का कहता है कि मेरे पास खेल में मैं क्या करूंगा आपको गेंद, और मेरे पास जो किताबें हैं मैं उनको भी साझा करूंगा, और मेरे पास
चीज और लड़का फिर वो बोलता है कि मैं मेरे पास एक सेब का टुकड़ा और केक है, ठीक है ना, केक के टुकड़े हैं, मैं उनको भी आपके साथ क्या करूंगा, साझा करूंगा और मैं क्या हूँ, आप लोगों का दोस्त हूँ। वो लास्ट वाला लड़का बोलता है। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा नोबडी इज फ्रेंड में पूरे चैप्टर को क्लोज किया। ये आपको बताओ कहानी ये कैसा लगा, ये नोबडी इज फ्रेंड कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा। इसी के साथ थैंक यू, बहुत जल्दी फाइनली खत्म।